वेलकम बैक टू प्रनोज किचन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इजी और मज़ेदार वेज पुलाव की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं। वेज पुलाव बनाने के लिए हमने इन सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है। आप एडिशन में आपको जो भी सब्जियां पसंद हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें पनीर का भी यूज़ किया है। पनीर डालने से हमारे पुलाव का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले हम आधा ग्लास चावल लेकर उसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे और फिर हम चावल को पानी में 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे जिससे कि हमारा चावल फूल जाए। अब हम चलते हैं अपना पुलाव बनाने के लिए। सबसे पहले हम कुकर में तेल ले लेंगे और उसे अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, हम उसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 लौंग, 1 तेज़पत्ता, 1/2 टीस्पून हींग, 1 कटी हुई हरी मिर्च और 1 बड़ा कटा हुआ प्याज डाल करके अच्छे से हम चला लेंगे। प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। इसी के साथ हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से भून लेंगे जिससे इसकी कच्ची स्मेल चली जाए। प्याज अब हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई बीन्स और शिमला मिर्च। दोनों को अच्छे से 2 से 3 मिनट तक के लिए पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई गोभी, 1 कटोरी मटर और कुछ पनीर के पीसेस। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक के लिए पका लेंगे। सारी सब्जियों को पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चॉप टमाटर, 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून सब्जी मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सभी मसालों को अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम में मसाले को भून लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में हम इनको चलाते रहेंगे जिससे हमारा मसाला ना चिपके। हम देख सकते हैं हमारा जो मसाला है उसने तेल छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोक किए हुए चावल। इन सब को मिक्स करने के बाद जितने क्वांटिटी में हमने चावल लिया है उसकी डबल क्वांटिटी में हम उसमें वाटर ऐड कर लेंगे। अब हमें कुकर के ढक्कन को लगा देना है और इसे 3 सीटी आने तक पकाना है। 2 सीटी हमारी तेज़ में आएगी, फिर हम गैस को सिम कर देंगे और 1 सीटी लो फ्लेम में आने देंगे और उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। हमने इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब देखिए हम अपने कुकर को ओपन करते हैं। बहुत ही यम्मी और टेस्टी वेज पुलाव बन करके रेडी हो चुका है। गार्निशिंग के लिए ऐड कर रहे हैं इसमें धनिया पत्ती। अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं बिल्कुल घर जैसे स्टाइल में, लच्छा ओनियन सैलेड के साथ। तो हम भी इसे इंजॉय करते हैं और आप भी इस रेसिपी को ट्राई करके इंजॉय करिए। इसी तरह की और भी मज़ेदार रेसिपी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय, सी यू ऑल।